नहीं चलेगी, नहीं चले, वापस लो, वापस लो। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। अजमेर के स्थानीय गांधी भवन चौराहे पे गांधी जी की प्रतिमा के नीचे हम सभी जमीनी कार्यकर्ता, जो कांग्रेस के उन लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा पिछले 10 दिन के अंदर 8 रुपये जो पेट्रोल के और डीजल के अंदर बढ़ोतरी करी है, उसके लेकर के हमने यहाँ पे सामूहिक धरना दिया है। और हमारी सभी की ये मांग है केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी और पेट्रोलियम मंत्री से, कि इसको कम किया जाए। और जबकि ऑल इंडिया के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्रूड जो ऑयल है उसकी रेट बहुत ही कम हो चुकी है। आज पेट्रोल हम भारत के अंदर 40 रुपये लीटर होना चाहिए, जबकि उन्होंने 80 रुपये लीटर कर दिया है। वहीं आज अगर इसका पेट्रोल का रेट बढ़ती है तो इससे सारी चीज़ें बढ़ती है, रोटी कपड़ा और मकान। जो रोटी महंगा हो जाएगी, कपड़ा महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, उसको लेकर के हमने आज यहाँ पर धरना दिया है और मांग करिए प्रधानमंत्री जी से कि ये कम किया जाए पेट्रोल डीजल की। आगे क्या करोगे? भाई हम लोग जो वरिष्ठ नेताओं के साथ और हमारे जमीनी कार्यकर्ता हैं उन लोगों के साथ बैठ करके विचार विमर्श करेंगे, और हम चाहेंगे केंद्र सरकार के ऊपर किसी भी तरह का हम दबाव बनाएं, दबाव बना करके और उनसे कहें कि साहब ये कम करना चाहिए, आम जनता के लिए बहुत ही हित, क्योंकि अभी 4 महीने से लॉकडाउन के अंदर आदमी एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया है। मध्यम वर्ग अपने जीवन यापन करने के लिए परेशान हो गया, और उसमें 8 रुपये पेट्रोल और डीजल पर बढ़ गए, वो बहुत ही शर्मनाक है, उसकी हम सभी निंदा करते हैं। हमने आज स्थानीय गांधी भवन पर, जो गांधी जी की प्रतिमा के नीचे, अपने मुंह पर कपड़ा बांध करके और तख्तियां लेकर के हमने विरोध प्रकट किया है केंद्र सरकार के खिलाफ। शैलेश गुप्ता, प्रदेश महासचिव कांग्रेस खेलकूद प्रकोष्ठ, अध्यक्ष मानव अधिकार परिषद। वापस लो पेट्रोल के दाम, वापस लो पेट्रोल के दाम।